किसी ने कहा है ना कि क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्म पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी। समुद्र का पानी उतरता देख के किनारे पे घर मत बना लेना। मैं लौट के आऊंगा ये वादा है। मध्य प्रदेश में बीजेपी के सबसे फायर ब्रांड नेता, कट्टर हिंदुत्व की छवि, सूबे के गृह मंत्री और अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले नरोत्तम मिश्रा चुनाव हार गए। नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश की दतिया सीट से चुनाव मैदान में थे। साल 2008 से लगातार वो इस सीट से विधायक रहे, लेकिन इस बार पासा पलट गया। कांग्रेस के राजेंद्र कुमार भारती ने नरोत्तम मिश्रा को करीब 8,000 वोटों से हरा दिया। नरोत्तम मिश्रा खुद मान रहे हैं कि कहीं कोई गलती रह गई। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करें। कहां गलती हुई है सोचें और विचार करें। ये हमको सोचना भी चाहिए और विचार भी करना चाहिए। कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो त्रुटि होती ही है अपन से। इस लिस्ट में नरोत्तम मिश्रा अकेले नहीं है। सूबे में भगवा लहर की आंधी के बावजूद शिवराज के 12 मंत्री अपनी सीट नहीं बचा पाए, लेकिन नरोत्तम मिश्रा जैसे दिग्गज नेता की हार के चर्चे पूरे मध्य प्रदेश में हैं। खुद मंत्री भी यही कह रहे हैं। इतना भी गुमान न कर अपनी जीत पे बेखबर, तेरी जीत से ज्यादा चर्चे मेरी हार। अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर नरोत्तम मिश्रा हारे कैसे। इसकी कई वजह बताई जा रही हैं। सबसे बड़ी वजह इस सीट पर बीजेपी की गुटबाजी रही। बताया जा रहा है कि यहां बीजेपी कई धड़ों में बट चुकी थी। चुनाव के दौरान कार्यकर्ताओं में एकजुटता का अभाव दिखा। नरोत्तम मिश्रा ने इसे दूर करने की तमाम कोशिशें की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। कार्यकर्ताओं की दबंगई भी नरोत्तम मिश्रा की हार की एक वजह बनी। बताया जा रहा है कि इलाके में लोग मंत्री जी के नाम पर कार्यकर्ताओं की गुंडई से परेशान थे। कई बार मंत्री जी के पास इसकी शिकायत भी पहुंची, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। दतिया के स्थानीय नेता अवधेश नायक का कांग्रेस में जाना भी एक टर्निंग पॉइंट रहा। अवधेश नायक ब्राह्मण है और ब्राह्मण वोटर इस सीट पर निर्णायक भूमिका में होते हैं। कांग्रेस ने अवधेश नायक को चुनाव में नहीं लड़ाया, लेकिन ब्राह्मणों के वोट बढ़ गए। पुराने कार्यकर्ताओं की अनदेखी भी नरोत्तम मिश्रा की हार की एक बड़ी वजह बताई जा रही है। अंदर खाने की खबर है कि नरोत्तम मिश्रा के चुनाव प्रचार का जिम्मा इस बार उनके बेटे सुकर्ण मिश्रा संभाल रहे थे। सुकर्ण ने अपने हिसाब से युवाओं का एक अलग ब्रिगेड तैयार किया, पुराने कार्यकर्ताओं को तवज्जो नहीं दी, जिसका असर पोलिंग बूथ पर दिखा। इतना भी गुमान न कर अपनी जीत पे बेखबर, तेरी जीत से ज्यादा चर्चे मेरी हार।